बीते ही दिन एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो चुके कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी ने तो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, पर ये उससे भी ज्यादा अपने हनीमून डेस्टिनेशन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल आफ्टर मैरिज कौन से हनीमून डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए हैं और इनका एक्सपेंसिव हनीमून कितना एक्साइटिंग और लग्जरियस होगा? इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ, बॉलीवुड की हॉट कपल कैटरीना कैफ और विकी कौशल भी और दूसरे बॉलीवुड साउथ स्टार्स की तरह अपने हनीमून को सेलिब्रेट करेंगे मालदीव्स में, जिसके लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें, कैटरीना और विकी की दिली ख्वाहिश थी कि ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव हनीमून डेस्टिनेशन मालदीव में जाकर ही अपना हनीमून सेलिब्रेट करें, क्योंकि वहां का अंडर वाटर होटल काफी खूबसूरत है, जो पूरी तरह से मछलियों से बना एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है जिसके अंदर रंग बिरंगी मछलियां तैरती रहती हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, मालदीव का ये एक्सपेंसिव होटल काफी कॉस्टली है, जिसे स्टे के लिए एक दिन का खर्चा पूरे 2.5 लाख रुपए है। जी हाँ, कैटरीना अंडर वाटर होटल में पूरे 7 दिन तक रहेंगी। इस होटल की एक डिश 21,000 रुपए से नीचे की नहीं होती और एक कॉकटेल की कीमत 51,000 से नीचे नहीं होती। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कैटरीना का ये हनीमून कितना ज्यादा कॉस्टली है। हालांकि विकी पूरी दुनिया से बचकर कैट के साथ अंडरवाटर रूम में रोमांस करते हुए नजर आएंगे, जहां पर ये कैटरीना की बाहों में लेटकर बाहों के दरमियां वाला गाना गाएंगे और कुल मिलाकर इनका अंडरवाटर टैंक होटल के एक हफ्ते का खर्चा करीब 25 लाख रुपए के आसपास होगा, जिसमें कैटरीना और विकी अपना फर्स्ट हनीमून सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कैटरीना और विकी का ये एक्सपेंसिव हनीमून डेस्टिनेशन? आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।